कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो अफजल गुरु को तो अफजल गुरु जी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो आज भारत की जनता को ही गाली देने लग गए हैं, वोटरों को ही गाली देने लग गए हैं। सोचिए वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र के मंदिर पर किस प्रकार के आक्षेप लगाती है, लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, विदेशी धरती पर जाकर लोकतंत्र मर गया है ये कहती है, भारत माता की हत्या हो गई ये भी कहती है। अब रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जो जनता वोट करती है वो राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती। और यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मैं इन लोगों को श्राप देता हूं, मतलब भारत माता की हत्या की कामना भी करते हैं और भारत की जनता को श्राप भी देने का काम ये कर रहे हैं। अलग अलग चुनावों में वोटर जिस प्रकार से वोट करते हैं, करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, ये जनता जनार्दन होती है, इसे भगवान का रूप माना जाता है लोकतंत्र में, परंतु कांग्रेस पार्टी इसी जनता को राक्षस प्रवृत्ति का बताती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस अहंकार में जी रही है। कभी ओबीसी समाज को गाली देना, प्रधानमंत्री पद को गाली देना, लोकतंत्र की संस्थाओं को गाली देना, और अब तो जनता को ही गाली देने का काम प्रारंभ कर दिया है कांग्रेस ने। इसलिए जनता ने भी मन बना दिया है कि 2024 में किसे आशीर्वाद देना है और किसे श्राप देना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।